आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस क्रिसमस के माह में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। आइए प्रियो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस समय की बात है जब मरियम नामक स्त्री की मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तब प्रियो, स्वर्गदूत की यह बात सुनकर मरियम चिंतित हुई कि शादी से पहले यह सब होना कैसे संभव है। लेकिन प्रियो, स्वर्गदूत ने उसे आश्वासन दिया कि यह परमेश्वर का चमत्कार है। स्वर्गदूत ने उसे यह भी बताया प्रियो कि तेरे कुटुंबी इलीशिबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का यह छठा महीना है। लोग कहते थे कि वह बांझ है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं प्रियो कि यह सब बातें सुनकर मरियम ने परमेश्वर की इच्छा पर सहमति व्यक्त की और इलीशिबा से मिलने को गई और 3 महीने बाद वापस भी लौटी और तब तक मरियम गर्भवती हो चुकी थी। इसके बाद जब एक रात यूसुफ सो रहा था, एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह पुत्र अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर प्रियो, यूसुफ ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे आज्ञा दी थी। शादी के बाद यूसुफ नासरत नाम के एक शहर में रहा करता था। फिर एक दिन उन्हें रोमन सम्राट कैसर अगस्तुस के द्वारा सारे जगत के लोगों के नाम लिखाई का आदेश जारी किया गया। यह पहली नाम लिखाई थी, इसलिए यूसुफ को पंजीकरण करवाने के लिए नासरत से बैतलहम जाना पड़ा। प्रियो, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि नासरत और बैतलहम अब दोनों देश इज़राइल कहलाते हैं। जब यूसुफ और मरियम बैतलहम गए तो उनके ठहरने के लिए कोई जगह ना थी, क्योंकि सराय पहले से ही भरे हुए थे। इसलिए प्रियो, यूसुफ और मरियम ने एक गौशाले में रहने का फैसला किया जहाँ गाय बैल रहा करते थे और वही मरियम ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जन्म भी दिया। और उसी रात कुछ चरवाहे जो खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आनंद का समाचार लाया हूँ जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह यह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। फिर आगे हम देखते हैं प्रियो, अचानक स्वर्गदूतों का एक पूरा समूह यह कहते हुए दिखाई दिया कि स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। और जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गए, तब वे गडरिए आपस में कहने लगे कि आओ हम बैतलहम चलें और जो घटना घटी है और जैसा प्रभु ने बताया है उसे देखें। तब प्रियो, वह सब गडरिए तुरंत चल दिए और यीशु को देखने के बाद उन्होंने खबर फैलाई और जिसने भी सुना वह आश्चर्य करने लगा। प्रियो, यीशु का जन्म आकाश में चमकीले तारों द्वारा दर्शाया गया था। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन किया करते थे पूर्व से यरूशलेम आए और उन्होंने पूछा,
यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है और हम सब उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के सभी लोग भी चिंता करने लगे। फिर राजा हेरोदेस ने सब बुद्धिमानों को एक सभा में बुलवाया और उनसे कहा कि वह नए राजा को खोजे ताकि वह भी जाकर उसकी आराधना कर सके। फिर वह सब बुद्धिमानी लोग राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था वह उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहाँ पर बालक था तो सितारा उस बालक के ऊपर रुक गया। जब बुद्धिमानों ने यह देखा तो वह बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। बुद्धिमानों ने उसकी उपासना की और बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने एक स्वप्न में उनको सावधान कर दिया कि वह वापस हेरोदेस के पास ना जाए। तब वह दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। जब वह चले गए तब यूसुफ के सपने में एक प्रभु के दूत ने प्रकट होकर कहा, उठ और मरियम और बालक को लेकर चुपके से मिस्र में चला जा, और मैं जब तक तुझसे ना कहूँ वहीं ठहरना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढेगा। तब स्वर्गदूत की बात को सुनकर यूसुफ खड़ा हुआ तथा बालक और उसकी माता मरियम को लेकर रात में ही मिस्र के लिए चल पड़ा। प्रियो, इसीलिए इस दिन की याद में कि कैसे सारी पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को शून्य किया और मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में जन्म लिया। तब से सारी पृथ्वी के लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को आनंद के साथ मनाते हैं। तो प्रियो, ये थी यीशु के जन्म की कहानी। इस कहानी से हम एक बात को सीखते हैं कि यीशु से लगभग 700 साल पहले यीशु के जन्म से संबंधित एक भविष्यवाणी पुराने नियम में लिखी गई थी, जो कि हमें यशयाह 7 के 14 पद में देखने को मिलती है। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा, देखो एक कुवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी, वह इस पुत्र का नाम इम्मैनुएल रखेगी। तो इससे हमें यह पता चलता है प्रियो कि परमेश्वर के पुत्र का आना तो तय था, जिसकी वजह थी दुनिया में बढ़ रहा पाप, और हमें इन पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, यही समय अपने विश्वास को मजबूत करने का है, जैसा कि मरियम और यूसुफ ने किया। इस कहानी से हमें मरियम और यूसुफ के विश्वास के बारे में भी पता चलता है। जरा सोचिए मेरे प्रियो, मरियम अविवाहित थी और परमेश्वर के अनुग्रह से वह गर्भवती हुई। ये उसके लिए बहुत कठिन समय था, पर उसने किसी चीज़ की परवाह ना की, बस अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। कल्पना कीजिए कि 9 महीने की गर्भवती 90 मील की यात्रा को पूरी करती है, वो भी एक गधे के ऊपर सवार होकर। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर हर समय उसके साथ था। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है प्रियो कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जैसा कि उन्होंने एलीशेबा के जीवन में किया और उसे बुढ़ापे में माँ बनने का सुख दिया। प्रियो, 3 प्रमुख बातें हैं जो हमें इस कहानी में सीखने को मिली। पहली बात प्रियो, परमेश्वर ऐसे सरल लोगों से प्रसन्न होता है जो उससे प्यार और उस पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात प्रियो, बड़ी चीज़ों की शुरुआत अक्सर छोटी ही होती है, जैसा कि यीशु का जन्म कितने ही साधारण तरीके से एक गौशाले में हुआ। तीसरी और अहम बात प्रियो, जब परमेश्वर कोई आज्ञा देते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए,
जैसा कि मरियम और यूसुफ ने किया। तो आइए प्रियो, इस क्रिसमस ना सिर्फ हम आनंद मनाएं, बल्कि अपना जीवन ऐसा बनाएं कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आशा करती हूँ प्रियो, आपको इस कहानी से आज कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।